बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हैं? तो आज हम दो और गाड़ियों का आपस में कंपैरिजन लेके हाजिर हूँ। ये जो भी चीज़ होती है मेरी ज़ाती राय होती है, कोई फाइनल राय नहीं होती। कुछ मतलब दलीलें होती हैं जिनकी बेस पे मैं कहता हूँ कि ये बेहतर है ये नहीं बेहतर। खैर, अपनी चॉइस और अपने जोश के इस्तेमाल से हर किसी का अपना टेस्ट होता है, वो अपनी राय रख सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि होंडा यूचुआ शेप, वो जो 6, 7, 8 जो 4 से भी है मॉडल, 4 से लेके 8 तक, और टोयोटा करोला XLI GLI वो भी 3 से लेके 8 तक, इनमें से बेहतर कौन सी गाड़ी है? इसमें क्या देखते हैं? नंबर एक, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। नो डाउट टोयोटा की बहुत मतलब आसानी से मिल जाते हैं, और क्वालिटी 1, 2, 3, 4 काबली सब कुछ क्वालिटी के टोयोटा के मिल जाती हैं। मैकेनिकल इजीली से समझते हैं। नंबर टू, रिलायबल टोयोटा होंडा से बहुत बेस्ट है। नंबर तीन, फ्यूल एवरेज भाई होंडा की ज़्यादा है। ये 6, 7, 8 की ना टोयोटा की, और मैंने एक्सपीरियंस 17, 18 पे भी चली जाती है, मतलब जो है ना वो होंडा चुआ से बड़ी एवरेज है, आउट क्लास एवरेज है, और होंडा की एसी परफॉर्मेंस ही बहुत ज़बरदस्त है। है तो वैसे XLI GLI की 6, 7 की भी आउट क्लास है, लेकिन होंडा की बेस्ट है। ये बराबर इस कर लेंगे, लेकिन फ्यूल एवरेज जो है वो होंडा की बेहतर है। और रोड ग्रिप जो है वो मेरे हिसाब से जो है ना वो होंडा की बेस्ट है, लेकिन ऑफ रोडिंग पर आप जाते हैं तो मुसीबत बन जाती है होंडा के लिए। वो खड्डों की इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि जी सिटी में रहना है, गांव में नहीं जाना, तो होंडा सिटी रख लें। भाई शहरों में कौन से मतलब इधर कारपेटेड रोड हैं, आप तो शहरों का मैं कहता हूँ, गांव से भी बुरे खड्डे हैं, लग जाती हैं गाड़ी नीचे से। अगर पीछे 3 बैठे हुए हैं सवारियाँ तो वो आप देख लें कि वो तो फिर होंडा लगे ही लगे। यकीन करें शहरों में 2-2 फुट 4-4 फुट गड़े होते हैं। ऑफ रोडिंग वाला तो आप वो कह लें कि ऑफ रोडिंग है जी, गांव में जाना है, शहर में वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अभी शहरों में भी गांव में फ़र्क वो नहीं है, खड्डे उतने ही हैं। मैं तो कहता हूँ शहरों में ज़्यादा हैं, हार्ड हैं। तो सस्पेंशन के हवाले से टोयोटा बहुत बेस्ट है, वो खड्डे वड्डे वगैरह बर्दाश्त कर जाती है, और थोड़ा वो कह लें ना कि ढीठ किस्म की, मज़दूर किस्म की गाड़ी है। तो वो दुम्बा शेप भी कहते हैं उसे, XLI GLI जो 8 तक आई है। दूसरी चीज़ है रीसेल, वो कह लें कि तकरीबन एक जितनी है, लेकिन थोड़ा सा ना माइनर सा इसमें फ़र्क है। टोयोटा ज़्यादा बिक जाती है, क्योंकि वो जो रेंट पे चलाने वाले, टैक्सी लाइन में चलाने वाले, वो टोयोटा को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाड़ियों की वो लेन देन चलता रहता है, इसलिए टोयोटा जो है वो जल्दी रीसेल हो जाती है। मतलब एक चेक है, कैश है, किस्टन कर लें। होंडा सेकंड ऑप्शन में आती है अक्सर लोगों की, लेकिन नहीं मिली तो ले लें, नहीं तो ठीक है टोयोटा पे जाते हैं। तो दूसरी फ्यूल इकॉनमी भी डिस्कस हो गई, रीसेल भी हो गई, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बता दी कि टोयोटा की बेस्ट है, मैकेनिक्स का भी आपको बता दिया, रिलायबल भी, और रोड्स के वाले से भी जो भी चीज़ें थी वो जो मेरी समझ में थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा की बात रह गई हो तो गाइड कर सकते हैं, सीखने सिखाने का चैनल है, और राय से इख्तलाफ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।